गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ट्रिक क्लास 10th एंड 12th। आज हम आपको बताने वाले हैं मेंडल फर्स्ट लॉ या प्रभाविता का नियम। इसे मेंडल जी का प्रथम नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्रभाविता का नियम क्या है। जब हम शुद्ध रूप से प्राप्त लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के मध्य एक संकर संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रभावी तथा अप्रदर्शित लक्षण अप्रभावी कहलाता है। इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। माना कोई लक्षण कैपिटल टी और इसका अप्रभावी स्मॉल टी, ये प्योर टेल है, ये प्योर टेल है, डबल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, प्योर ड्राफ्ट स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। अब इसका हम संकरण कराते हैं। संकरण कराने से पहले इसका म्यूसिस होगा। म्यूसिस के थ्रू ये सेम है तो एक सेल बनेगा टी कैपिटल, एक बनेगा स्मॉल टी। म्यूसिस म्यूसिस कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बनेगा। अब इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, जाएगा ये भी होमोजाइगस है 100% बोना, ये भी होमोजाइगस है 100% टेल लंबा। अब ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध रूप से प्राप्त ये 100% टेल है, 100% टेल शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा पौधा है ये। देखिए अब लिखा क्या था, जब हम शुद्ध रूप से प्राप्त लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के मध्य, ये शुद्ध रूप से प्राप्त लक्षण है प्योर लंबा है, शुद्ध रूप से प्राप्त लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के मध्य एक संकर संकरण कराते हैं। तुलनात्मक रूपों स्मॉल टी तुलनात्मक रूप मतलब उसके विभिन्न रूप से संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण, ये F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रभावी जो हमें प्रदर्शित हो रहे हैं प्रभावी है और अप्रदर्शित लक्षण अप्रभावी कहते हैं। इसे ही मेंडल के प्रथम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये 100% टेल लंबा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बायो ट्रिक क्लास 10th एंड 12th।